dear students of 9th class, today we will discuss one of the question of the same exercise. It is 2.4 of the same chapter, polynomials. Before we will discuss question number 4, dear student, subscribe my channel ताकि आने वाली जो नई वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियोस जरूर शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है यहाँ हमारे पास, दैट इज फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। हमें यहाँ इन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का फैक्टराइजेशन देखना है। इस क्वेश्चन के चार पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं और दो पार्ट्स जो रिमेनिंग रहेंगे वो आप घर पे एज होम असाइनमेंट कर लीजिए। अगर उनको करने में कोई प्रॉब्लम होगी डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना। नाउ वी विल डिस्कस आवर टॉपिक, दैट इज फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर लेंगे इस फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। उसके लिए हमने एक वीडियो अपने इस चैनल पे डाल दी है, उसमें सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है किस तरह हम, किस मेथड से हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइजेशन देखते हैं। वो वीडियो आप जरूर देख लेना है, इस वीडियो से पहले उसी वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए सी हमारे पास है, ए सी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म एंड बी बाय मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडल टर्म। वी हैव टू फाइंड टू पार्ट्स ऑफ बी, such that the sum becomes b and product becomes ac। और जब हमारे पास वो दो पार्ट्स मिलेंगे b के, उन दो पार्ट्स से हमें और by the method of splitting middle term वो यूज कर लेंगे हम, यहाँ पे we get the two factors of this quadratic polynomial। solution हम देखेंगे, dear students, taking px is equal to x हम लेंगे यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। नाउ हियर a इज इक्वल टू 12, वेयर वी कंपेयर दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विद दिस। हियर a इज इक्वल टू 12, a हमारे पास 12 है, b हमारे पास कंपेयर विद दिस दैट इज माइनस 7 है, एंड c इज इक्वल टू 1, that this implies us AC हमारे पास है 12। Now we have here B, AC is 12 and B is minus 7। B के दो parts हमें चाहिए, either product is 12 and sum is minus 7। लेकिन वो कहाँ से मिलेगा वो भी discuss किया हुआ है हमने उस lecture में। 12 के factors हमें चाहिए, 12 that is 2, 6, 2, 3। ये इसके factors हैं। That is 2 into 2 into 3, clearly the product is 12। अब इन हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, पेयर्स में लेना है, हम इस तरह पेयर्स में ले सकते हैं। एक पेयर में 2 आएगा, दूसरा तो 6, 2, 6 भी रहेगा, 4, 3 भी रहेगा, ये भी, और बस ये दो पार्ट्स रहेंगे इसमें। ये दो पेयर्स हैं हमारे पास, 2, 6 जब आप लेंगे सम इनका क्या मिलेगा हमें, अगर हम सम देख लेंगे, अगर हम सम इनका देख लेंगे दैट इज 8, अगर इनका सम देख लेंगे दैट इज 7। अब यहां पे b इज माइनस 7, रिमेंबर दिस, b इज माइनस 7। उस वीडियो में ये सारा डिस्कस किया हुआ किस तक b के जो दो पार्ट्स हैं, कब हमें वो नेगेटिव लेनी है, कब पॉजिटिव लेनी है, कौन सा बड़ा लेना है, कौन सा छोटा लेना है, ये सारा कुछ उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म मेथड के लिए हमने एक वीडियो डाल दी है अपने इस चैनल पे, वो जरूर देख लेना। यहाँ पे ये जो पेयर है 4, 3, ये नेगेटिव ले लीजिए, 4 ये भी नेगेटिव ले लीजिए, व्हेन वी टेक देयर प्रोडक्ट नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, and 4, 3s are 12, clearly we get AC।
and their sum becomes minus 7. And we use these two values for the middle term. यही हम दो parts मान के लेंगे इस middle term के. Therefore, px can be written as px can be written as ये हम इस तरह लिख सकते हैं px. x is equal to we have here 12x square. अब मिडल टर्म जो है माइनस 7x, इसको हम माइनस 4x लेके एक पार्ट लेंगे एंड माइनस 3x प्लस 1 अपना है. सेम माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x 12x स्क्वायर प्लस 1, ये तो सेम है एज इन क्वेश्चन. नाउ वी टेक दीज टू टर्म्स क्लियरली, वी गेट 4 हियर कॉमन एंड x कॉमन. वी हैव हियर 3x माइनस 1, इन दो में से भी हमें माइनस वन कॉमन मिलेगा, दैट इज 3x माइनस 1. 4x कॉमन मिलेगा यहाँ पे, 4x इंटू 3x 12x स्क्वायर, 4x इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 4x. अब यहाँ पे हमने माइनस 1 कॉमन किया, दैट इज माइनस 1 इंटू 3x दैट इज माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 दैट इज प्लस. अब यहाँ पे ये कॉमन मिलेगा हमें डियर स्टूडेंट, दैट इज 3x माइनस 1. यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 4x, यहाँ पे माइनस 1. ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए किसके, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. इस तरह ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फैक्टराइज हो गए. नाउ फोर्थ पार्ट जो है इसका सॉल्यूशन सेम एज इन फर्स्ट पार्ट. हियर px इज इक्वल टू px हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. अगेन वी हैव हियर a, हियर a इज इक्वल, सॉरी फॉर दिस, टेकिंग px इज इक्वल, ये हम ले रहे हैं टेकिंग px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. हियर a इज इक्वल टू, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास माइनस 1 है एंड c इज इक्वल टू माइनस 4. This implies AC हमारे पास होगा माइनस 12. That is 3 into minus 4, that is minus 12. अब AC is minus 12, B is minus 1. अब B के दो parts चाहिए, so that product is minus 12 and sum is minus 12 and product is minus 1. हमारे पास ये pairs हैं, अगर ये दो लेके जाएंगे हम, इनका sum 8 है, अगर इनका लेके 7 है, लेकिन यहां पे हमें सम माइनस वन आना चाहिए, तब जाके हमें इन दो पार्ट्स को एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव लेना है. बट बी इज नेगेटिव, बी इज नेगेटिव, इसके लिए हमें बी का, बी के जो दो पार्ट्स हैं उनका जो बड़ा पार्ट है वो हमें नेगेटिव लेना है. जस्ट अगर ये दो पार्ट्स हमने मान ले, ये माइनस लेना है, ये पॉजिटिव लेना है. इसी तरह यहाँ पे 4 माइनस लेना है, 3 पॉजिटिव लेना है. अगर इनका सम माइनस 6 प्लस 2 दैट इज माइनस 4 नॉट इक्वल टू बी, माइनस 4 प्लस 3 क्लियरली देयर सम इज माइनस 1 एंड देयर प्रोडक्ट इज माइनस 12. देयरफॉर दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द बी. नाउ वी यूज दीज टू पार्ट्स हियर in given quadratic polynomial. Px can be written in this form, Px can be written in this form. इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, that is Px is equal to 3x square minus 4x plus 3x minus 4. अब इन दो में से हमारे पास यहाँ पे x कॉमन मिलेगा इन दो टर्म्स में. Dear students, we get here 3x, यहाँ पे हमारे पास माइनस 4 रहेगा. अब इन दो में से यहाँ पे तो ये दो टर्म सेम एज दिस, हमें 1 हम कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 3x माइनस 4. वी गेट हियर दीज टू दिस फैक्टर एज कॉमन, इट इज 3x माइनस 4. यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट में दैट इज x, यहाँ पे प्लस 1. These are the required two factors of the given quadratic polynomial. And these two factors which we get by splitting middle term method.
एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इस तरह ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।